हेलो दोस्तों, श्री मुरी में आपका स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी 2019 हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट वन देख चुके हैं, ये पार्ट टू है जिसमें पार्ट वन में भी 30 क्वेश्चन देखे थे, इसमें भी 30 क्वेश्चन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि डेनमार्क की राजधानी है, जो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन है। कहाँ है? कोपेनहेगन है। राजधानी से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता था। योग दिवस मनाया जाता है, जो योग दिवस मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है और ये भारत द्वारा ही शुरू किया गया था। तो योग दिवस को मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जनवरी 4 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो जो जनवरी 4 है, हमारे पड़ोसी देश कौन पड़ता है? तो बर्मा, जिसे हम लोग म्यांमार कहते हैं, उससे ही वहाँ पर ही ये 4 जनवरी को बर्मा में ही दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। हम लोगों का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। और गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक, कब? 26 जनवरी 1950 को हम लोग प्रथम संविधान लागू हुआ, उसी दिन से हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं प्रत्येक 26 जनवरी को, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 2018 में शीतकालीन ओलंपिक 2018 में खेल में आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। ये जो 2018 का ये क्वेश्चन है, 2016 में जो हुआ था एनटीपीसी उसका है। ये पूछ रहा है कि 2018 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। तो पयोंगचोंग, जो दक्षिण कोरिया में है, दक्षिण कोरिया में स्थित है पयोंगचोंग, पता है आपको, यहीं पर किया गया था ये शीतकालीन ओलंपिक, ठीक। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि भारत का प्राचीनतम बांध है, भारत का सबसे प्राचीन बांध, सबसे बड़ा बांध, सबसे गहरा बांध, सबसे ऊंचा बांध, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये इतिहास से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। ये इतिहास भी कर सकते हैं, भूगोल भी कर सकते हैं कि भारत का प्राचीनतम बांध कौन है। तो कलानी बांध है, जिसे ग्रैंड अनिकत भी कहते हैं, इस पर तमिलनाडु के लोग निर्भर है। तमिलनाडु में बहुत पहले ही बनाया गया था इसे, ठीक, यही है सबसे प्राचीन बांध माना जाता है आज भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर छठवा है कि एशियाई खेलों में जीता स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी, जो एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी। तो ये कमलजीत सिंधु बनी थी। कौन जीती बनी थी? कमलजीत सिंधु, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर सातवा है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी है, जो पद्मश्री से हम लोग का राष्ट्रीय खेल क्या है। बहुत लोग ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय खेल यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है तो वही राष्ट्रीय खेल होगा। जी नहीं, हम लोगों का और साथ में पाकिस्तान का भी आपका राष्ट्रीय खेल कौन है? तो आपका हॉकी है, ठीक। हॉकी में ही लगातार 4 बार सबसे पहले भारत ने गोल्ड मेडल लाया था, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो, ठीक। मेजर ध्यानचंद का नाम भी आप जानते होंगे, हॉकी के जादूगर। तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रथम हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो बलबीर सिंह दोसांझ जो है प्रथम ये सम्मानित होने वाले हैं पद्मश्री से। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है, जनगण मन उन्हीं द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है। पूछा जाता है कि इन्हें कब सबसे पहले नोबल, ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि सबसे पहले नोबल पुरस्कार भारत में किसे दिया गया था, ठीक। तो वो भी आपको रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, ठीक। इन्हें दिया गया था, कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एथनॉल किससे प्राप्त किया जाता है, जो एथनॉल प्राप्त किया जाता है वो सीरल्स से प्राप्त किया जाता है। किसे? सीरल्स के प्राप्त किया जाता है, सीरल्स से प्राप्त किया जाता है एथनॉल। देखिए, मौलिक कर्तव्य दिया है, जो मौलिक कर्तव्य है ना वो पहले हम लोग के संविधान में नहीं था। ये मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो यूएसएसआर से लिया गया है, और फंडामेंटल राइट जैसे कि मौलिक कर्तव्य हुआ, ये हम लोग का कर्तव्य हुआ, लेकिन जो अधिकार जो दिया गया है वो शुरू से ही संविधान में जोड़ दिया गया था, ठीक। जो हम लोग का अधिकार वो लिया गया है वो किस संविधान से देखकर लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से देखकर पढ़कर लिया गया है, ठीक। और जो ये मौलिक अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य है, ये कब लिया गया था? तो ये बलिशवा संविधान संशोधन द्वारा लिया गया था। कब? 1976 में लिया गया था। 1975 से 77 आपको आपात लागू था, उसी समय इंदिरा गांधी ने बोला कि बहुत से लोग कर्तव्य नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं के लिए एक मौलिक कर्तव्य बनाया जाए, ठीक। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में ये बनाया गया, और उस समय मात्र 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था, जो कि ये कर्तव्य था कि सभी गार्जियन को अपने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूल भेजना है। और फिर इसे राइट भी बना दिया, राइट टू एजुकेशन भी बना दिया गया था, ये आर्टिकल 21 के ए में दिया हुआ है, राइट टू एजुकेशन जो है, या का आप बोल सकते हैं, जो कि आर्टिकल 21 के ए फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया, अधिकार बना दिया गया था। 2010 से ये लागू हो गया था, 2009 का ये एक्ट था, ठीक। तो अभी जितना मौलिक अधिकार है हम लोग का, मौलिक कर्तव्य है, वो 11 है टोटल मिलाकर, और ये स्वर्ण समिति द्वारा लागू किया गया था, बलिशवा संविधान संशोधन द्वारा। बलिशवा संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, छोटा संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2015 में फ्रेंच ओपन किसने जीता। जो फ्रेंच ओपन जीता गया था वो स्टेन वावरिंका पुरुष और सेरेना विलियम्स महिला द्वारा जीता गया था, वो उस समय का करेंट अफेयर है, तो इसे आप मत याद कीजिएगा, ये तो कोई देखने वाला चीज़ ही नहीं है। हाँ, ये खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, वैसे ही खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। खो खो बहुत ही अच्छा खेल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, जैसे सबसे बड़ा देश कौन पड़ता है? तो ये रूस पड़ता है। अगर ये आपसे कुछ पूछ दे कि रूस का कितना भाग एशिया में पड़ता है, कितना आपको यूरोप में, तो सबसे विकसित और सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो यूरोप में पड़ जाता है, उसकी राजधानी वाला क्षेत्र रूस का, वो 75% जो भाग होता है
जिसमें ज्यादा लोग नहीं निवास करते हैं, वो एशिया में पड़ता है, और रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद कौन आता है? कनाडा आता है। कनाडा का जो आपको तटीय क्षेत्र है ना, तटीय क्षेत्र की दृष्टि से आप मिलाइएगा तो कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक। लेकिन अगर ऐसे मिलाइएगा तो ये दूसरा सबसे बड़ा देश है, और भारत का स्थान सातवां आता है, और सबसे बड़ा देश कौन है वो आपको पड़ जाता है रूस। यूएन जलवायु परिवर्तन बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? जो यूएन जलवायु परिवर्तन बैठक आयोजित की गई थी वो कहाँ की गई थी? तो पेरिस में की गई थी, याद रखिएगा। अजंता और एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? अब ये कीजिएगा कि ये जलवायु के लिए तो बहुत बैठक उस समय का आप करेंट अफेयर है, आपको उस समय का करेंट अफेयर क्वेश्चन था। अजंता या एलोरा का गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये औरंगाबाद जिला पड़ता है, वो कहाँ पर पड़ता है? ये बिहार वाला औरंगाबाद जिला नहीं, ये महाराष्ट्र वाला, ठीक। औरंगाबाद में अजंता और एलोरा के गुफा है, याद रखिएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे ठंडा ग्रह कौन है? कौन ग्रह पानी में तैर सकता है? ऐसे क्वेश्चन बार बार दे देते हैं, आइए सबका हम आंसर एक बार में जल्दी से देख लेते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सबसे नजदीक भी बुध है सूरज का, ठीक। और आपको इसके बाद शुक्र ग्रह पड़ता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, सबसे गर्म है, पृथ्वी की बहन है, सांझ का तारा है, भोर का तारा है, ठीक। ये याद रखिएगा, संदर्भ के देवता है। उसके बाद क्या है? फिर आता है आपको पृथ्वी, फिर आता है मंगल। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति है, ऐसा ग्रह है, जीवन यहाँ पर पाया जाता है सबसे। ये नीला ग्रह दिखाई देता है, पानी की बहुत ज्यादा उपस्थिति है यहाँ पर। उसके बाद शुक्र, उसके बाद क्या पड़ता है? मंगल पड़ता है। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, और मंगल ग्रह पर दो उपग्रह है, फोबोस और डिबोस। ये भी क्वेश्चन आया था, मैंने पिछले जो पार्ट वन कराया उसमें ये क्वेश्चन आपको बताया है, फोबोस और डिबोस इसका उपग्रह था। हर शिफ्ट में सौरमंडल से क्वेश्चन आया है, आपको जब तक कराएंगे आप देखते रहिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है, जो कि किसका उपग्रह है? ये बृहस्पति का ही उपग्रह है। फिर आता है शनि भी आता है, और मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। इधर अंदर वाला जो चार ग्रह है, जैसे बुध है आपको, शुक्र है आपको, पृथ्वी है और मंगल है, ये जो ठोस अवस्था में पाया जाता है इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इसे ब्राह ग्रह कहा जाता है किसे किसे? तो बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, यूरेनस और नेपच्यून, ये गैसीय और तरल अवस्था में भी पाए जाते हैं। शनि ऐसा ग्रह है जो कि पानी में डुबाने पर भी तैरते रहता है, ऐसा है, ठीक। एक से क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। डॉल्फिन को समूह में क्या कहा जाता है? डॉल्फिन को समूह, जो डॉल्फिन की समूह है उसे क्या कहा जाता है? तो स्कूल या पोंड कहा जाता है। डॉल्फिन बहुत ही बुद्धिमान जानवर मछली है डॉल्फिन, ठीक। और डॉल्फिन जो है वो सीटी भी बजाती है, आप मूवी में देखे होंगे, गंगा और सिंधु वाला जो ट्रिब्यूटरी है उसमें डॉल्फिन पाया जाता है, ये स्वच्छ पानी में निवास करती है। पोलियो वैक्सीन को किस के द्वारा विकसित किया जाता है? और डॉल्फिन दो पानी में निवास करती है, खारा और मीठा दोनों में, ठीक। तो गंगा और सिंधु वाला मीठा हो गया, और उड़ीसा में जो है चिल्का झील हो गया, उधर जो वाला क्षेत्र जो हुआ उधर जो पाया जाता है वो डॉल्फिन जो पाया जाता है वो खारे पानी वाला होता है, बहुत ही बुद्धिमान है। पोलियो वैक्सीन को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जनरल एडवर्ड सॉल के द्वारा, ये जेन्स एडवर्ड सॉल के द्वारा ये विकसित किया गया था पोलियो, ठीक। उस शावक का नाम बताइए जो कि पहली बार अंतरिक्ष में गया, वो जानवर या वो चीज जिसका नाम बताइए जो पहली बार जीवित गया था अंतरिक्ष में, तो वो हमारा लाइका था। लाइका क्या था? एक कुत्ता का नाम था, ये भी दे सकता है, कुत्ता लाइका था, याद रखिएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान जनक, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम अंबाला सारा भाई को कहा जाता है, सारा भाई ही विक्रम सारा भाई सब लोग याद करते हैं, आप भी याद कर सकते हैं विक्रम सारा भाई, ठीक। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थित है भारत के। डीएमके पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो डीएमके पार्टी है वो एमजी रामचंद्रन द्वारा स्थापित किया गया था। डीएमके जो है आपको दक्षिण के पार्टी है, साउथ का। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मलंकर थे, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। अगर प्रथम ये पूछता है कि सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष जो महिला बनी तो मीरा कुमार थी, और द्वितीय में अभी कौन बनी है, अभी जो है हम लोग का लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक, वो है सुमित्रा महाजन जी है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष अभी है, अभी भी है। पानी के नीचे वस्तु को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अगर पानी के नीचे या समुद्र में आप उपयोग किया जाता है वस्तु का पता लगाने या पनडुब्बी को, तो वो सोनार का किया जाता है, ठीक। किसका? सोनार का। पशुओं का अध्ययन कहा जाता है? तो पशु विज्ञान, ये तो इंग्लिश में ही दिया रहता है ज़्यादातर, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी को पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है? जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जैसे देखिए यहाँ पर दे देता है स्वतंत्र भारत के प्रथम, ये नहीं दे रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, फिर राजगोपालचारी हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ दे रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा, उन्हें भी फिर बनाया गया, ठीक। वो लास्ट भी थे इंडिया में, इंग्लैंड का। बुद्ध को परिज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने परिज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। बोध कहाँ गया के उरवेला एक स्थान है जो कि वन वाला क्षेत्र था, ठीक, वहीं पर हुआ था उन्हें। और बोध जो गया है गया के निकट है बिहार में, और वहां से सिर ये चले गए थे सारनाथ, जो कि यूपी वाराणसी के नजदीक है, और वहां पर ये उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश
ठीक है, और जो प्रथम उपदेश ये दिए थे उन्हें ही महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? जो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम होता है वो माइक्रोचिप होता है, और इसमें जो आपको अधिकतर जो चिप में मिलाया जाता है वो सिलिकॉन रहता है, जो अर्धचालक है सिलिकॉन। ये आपका क्वेश्चन था, ये तीन क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ क्योंकि छोड़ दिया था पॉलिटी में बताने के लिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक। ये क्वेश्चन आया था किसको भंग किया जा सकता है, ठीक, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है ऑप्शन में था, ठीक, क्योंकि लोकसभा को भंग इसलिए किया जाता है कि लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए आता है और राज्यसभा नहीं आता है। राज्यसभा 6 साल के लिए राज्यसभा के सदस्य को निर्वाचित किया जाता है, लेकिन एक तिहाई जो सदस्य होते हैं वो बदलते रहते हैं, तो ऐसे ही कंटिन्यूअस बनते रहता है। और इसमें राज्य के प्रतिनिधि आते हैं, ये डायरेक्ट चुनकर नहीं आते, राज्य के प्रतिनिधि आते हैं जो विधानसभा से चुनकर और अलग अलग से, जैसे कि राज्यपाल और अलग अलग जो होते हैं वो चुनकर भेजते हैं यहाँ पर, ठीक, राज्यसभा में। और राज्यसभा के, जैसे कि बिहार में 16 है राज्यसभा का, लोकसभा का 40 है सीट, वैसे यूपी में सबसे ज़्यादा है। यूपी में कितना है? सबसे ज़्यादा है लोकसभा का, राज्यसभा का भी सीट सबसे ज़्यादा है। यूपी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है ना भारत में, इसलिए सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, माफ़ कीजिएगा मुँह से निकल गया, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, जनसंख्या के हिसाब से आपको सबसे बड़ा राज्य कौन है तो यूपी पड़ता है, और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन पड़ता है तो राजस्थान पड़ता है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जो पड़ जाता है वो सिक्किम पड़ जाता है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे जो छोटा राज्य पड़ जाता है वो गोवा पड़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन था, और जो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो जो मैं पॉलिटी का जितना भी क्वेश्चन है उसे मैं एक जगह लिख कर रखा हूँ कि जो कि आपकी आसानी से सीरीज में हो जाए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगला वीडियो चाहते हैं तो यस लिखिएगा, और वीडियो में कोई त्रुटि हो गई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी मोड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।